साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल निशांत शिखर क्लासेस में। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। हमारे जोर भी कितना लगाएं आधियां बनकर, मगर जो घिर के आता है वो बादल छा ही जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास में शुरू करता हूं और यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए क्योंकि यह संविधान सम्मत प्रश्न है और यहां से आपके एग्जाम में भी प्रश्न आते हैं और आपके इंटरव्यू में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके आधार पर यहां से हो सकता है आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमने लिख रखा है एक वर्ड संविधान, ठीक है, और यहां पे दो तारीखें हमने लिख रखी है, एक 26 नवंबर 1949 और दूसरी तारीख है 26 जनवरी 1950। तो आप इसका अर्थ समझिए। देखिए, हमारे संविधान में जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, उसको मैं लिखा रही हूं, आप समझने का प्रयास करिए और वीडियो अंत तक देखिएगा। दो चीजें, तीन चीजें आपसे पूछी जाएंगी और प्रयास करिएगा तो उसका कमेंट के माध्यम से जवाब दिया। जैसे पिछले वीडियो मैंने पूछा था तो कुछ लोग जवाब दिए थे राज्यपाल का कि हाँ आनंदीबेन पटेल हैं, और कंप्यूटर को बताए थे कि हाँ उसको संगणक कहा जाता है। लेकिन जो हमने मैथ का प्रश्न पूछा था उसके जवाब नहीं मिले थे, तो अभी आशा करता हूं कि आप सभी उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं संविधान के विषय में। तो संविधान में जब इसकी बात आती है कि 26 नवंबर 1949 क्या है, कौन सी तिथि है, और 26 जनवरी 1950 क्या है, हम आपको दो शब्द पर भी चर्चा करेंगे, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। ये बड़ा कॉमन प्रश्न है, जब आपसे इंटरव्यूअर पूछ लेता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपसे पूछ लेता भाई मूल अधिकार क्या है, है ना, या मूल कर्तव्य क्या है, या जो है मानव अधिकार क्या है। तो आपका मान लीजिए बीए में सिविक्स है, है ना, और फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को संविधान जानना चाहिए, तो वो कॉमन क्वेश्चन संविधान से पूछ ही लेते हैं, है ना। देखिए, 26 नवंबर 1949 को हमको पता है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारी प्रस्तावना, जो हमारी उद्देशिका है, उसमें लिखा क्या गया है कि हम इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। मतलब ये स्वीकार किया गया था, कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान को ये कहा गया था, हाँ संविधान को हम क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 से जो भारतीय संविधान है वो पूर्ण रूप में लागू हो गया। मतलब 26 जनवरी 1950 को हम क्या हो गए, गणतंत्र हो गए। क्या हो गए? गणतंत्र। इसीलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिये यहां से क्या प्रश्न बन सकता है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज अभी उसमें चल रहा है तो आपको यहां पे जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया कब गया था, 22 जुलाई 1947 में अपनाया गया था। ये डेट आप याद रखेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा इंटरव्यू में कि भाई जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है इसमें कितने रंग हैं, कितनी तीलियां हैं, कितने अनुपात में बटा हुआ, ये सारे प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से देंगे, मुझे इसकी आशा है। और कमेंट मुझे जहां तक लगता है कि इसका जवाब वही लोग देंगे जो सीरियस है इंटरव्यू को लेकर के, आपसे पूछ देगा कि भाई लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है तिरंगे झंडे का, या इसमें कितने रंग हैं, या जो बीच में तीली बने उसमें कितनी तीलियां हैं, है ना, बताइए। फिर ये चीजें आपको यहां से कमेंट के माध्यम से बतानी है। मैं आशा कर रहा हूं आपको अगली वीडियो में इसका जवाब दूंगा, लेकिन आपको जो सीरियस लोग हैं उनसे मैं यही आशा कर रहा हूं वो लोग जवाब देंगे। अब देखिए 24 जनवरी 1950 की बात है, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत, ये दो चीजें हैं भाई, उस आपसे पूछ लेगा ये बताइए राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर क्या है, इनको कब स्वीकार किया गया, तो आप क्या जवाब देंगे कि राष्ट्रगान जो है वो जनगण मन अधिनायक है और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, जिनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किसके लिए, गीतांजलि के लिए मिला था, किसके लिए, गीतांजलि के लिए, गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि के लिए इनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये तरह की चीजें आपको याद रखनी है। अब राष्ट्रीय गीत की बात आती है, तो राष्ट्रीय गीत ये आप इसका जवाब आप देंगे कि राष्ट्रीय गान तो हमने बता दिया भाई रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, किसने लिखा है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, कब इनको जो इसके लिए गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब राष्ट्रीय गीत की बात आती है, राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम पूछ लेते हैं आपसे भाई राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय गान क्या है, आदमी इसी में कन्फ्यूज, राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान क्या है, जैसे गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस पूछ लिए, तो गणतंत्र मतलब क्या होता है, गणतंत्र मतलब क्या, लोगों का तंत्र स्थापित हो गया, स्वतंत्र मतलब हमको जो बाहरी और अदृश्य शक्ति थी उससे आजादी मिल गई, है ना, इसकी भी चर्चा आप हम करेंगे। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं समिति पे, इस पे चाहोगे आपको मैं लास्ट में प्रश्न लिखवा दूंगा, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। जैसे पहला प्रश्न क्या था, वही कि इसका अनुपात जो हमने पूछ रखा है, और कितनी तीलियां हैं, किस अनुपात में, ये सारी चीज आपको बतानी है। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है, मैं मुझे जानकारी है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, आप जब आप कमेंट कर देंगे तो वो चीजें आप जीवन में नहीं भूलेंगे। तो प्रयास किया करिए ना कि जैसे मैं वहां से प्रश्न पूछे तो आप उसको कमेंट कर दीजिए उसी वक्त,
तो वो चीजें आप जीवन में नहीं भूलेंगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। जैसे संघ शक्ति, इस समिति की बात कर लेते हैं, यहाँ से प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, ये भीमराव अम्बेडकर जी को लेकर पूछा जाता है और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर पूछा जाता है। और ये संघ शक्ति समिति, जैसे संघ, चूंकि भारत राज्यों का क्या है, भारत राज्यों का क्या है, भारत राज्यों का संघ है, भारत क्या है, तो भारत राज्यों का एक संघ है, इसकी बात की जाती है, है ना। तो भारत जब राज्यों का एक संघ है, तो जब इसकी चर्चा हम करेंगे तो भाई क्यों ना इस पर विषय में जान लेते हैं हल्का सा। तो संघ शक्ति समिति इसकी कौन है, और संघीय संविधान समिति, मतलब संघ की बात जहां से आएगी आप किसको मारेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी को मारेंगे। और जवाहरलाल नेहरू कौन थे, तो ये प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है। इनका जो संसदीय, इनका जो जन्म हुआ था, ये प्रयागराज में हुआ था, जो और आनंद भवन इससे संबंधित है, सारी चीजें हैं आपको ध्यान क्या रखना है कि ये प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये दो बार प्रधानमंत्री बने थे, है ना, कंटिन्यू दो बार। अब देखिए, संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष ही थे। अब प्रांतीय संविधान, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ा खतरा जो था वो था जो राजा महाराजा थे उनको अपने में वापसी कराना, तो उसके लिए प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई। और मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक समिति संबंधित परामर्श समिति की जो अध्यक्षता है वो किसने की, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। तो अगर मूल अधिकार चीजें आती, भाई मूल अधिकार क्या है, मूल अधिकार मतलब वह अधिकार जो किसी जो भारत जो राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों या नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी होता है, ऐसा अधिकार जो सर्वांगीण विकास में उत्तरदायी हो। मतलब मूल अधिकार और मानव अधिकार में बेसिक अंतर है, मैं आपको जो मूल अधिकार पढ़ाऊंगा तो चीजें बताऊंगा, ये सारी चीजें आपको इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। मूल अधिकार और मानव अधिकार में अंतर बताइए, मूल कर्तव्य क्या है उसके विषय में बताइए, कितने मूल कर्तव्य है, है ना। तो एक प्रश्न यहां देखिए, यहां से क्या बना भाई, आपको कमेंट के माध्यम से बताना है मूल कर्तव्य कितने हैं, मूल कर्तव्य कितने हैं, ठीक है, ये मूल कर्तव्य कितने आपको बताना है। फिर क्या बताना है, मूल अधिकार कितने हैं, मूल अधिकार कितने हैं, ठीक है, मूल अधिकार कितने हैं, ये आपको बताना है। इसमें मैं बता दूं कंफ्यूजन टाइप क्रिएट करने के लिए, भाई 10 है कि 11 है आपको बताना है, है ना, 10 है या 11 है। अब इसमें ये बताना 6 है कि 7 है, इसमें 2 हमने ऑप्शन दे दिया, तो आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, ठीक है। और आप पढ़ लीजिएगा मूल अधिकार और मानव अधिकार में अंतर, मानव अधिकार, ठीक है, मानव अधिकार में अंतर पढ़ लीजिएगा, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं प्रारूप समिति पे, सबसे महत्वपूर्ण है भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भीमराव अंबेडकर के विषय में पढ़िएगा, के विषय में पढ़िएगा आज के विषय में, ठीक है। आप जो भी चीजें पढ़ेंगे प्रयास करिए कमेंट के माध्यम से वो नीचे कमेंट में आप लिख दें, तो ज्यादा चीजें अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। इतना आपसे आशा मैं कर रहा हूं, यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो यहां से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जिससे आपसे पूछा गया कि भाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, है ना, या भीमराव अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे, आप बताएंगे प्रारूप समिति, ये बताइए भीमराव अंबेडकर जन्म कहां हुआ था, है ना, वो कहां से चुन करके आए थे, ये सारी चीजें। तो ये हो गया, उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज के विषय में हमने आपको बताई दिया। तदर्थ समिति के विषय में पूछा जाता है, तदर्थ समिति, प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति की अध्यक्षता कौन किए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए। और आपको पता है जब संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष ही थे, प्रथम अध्यक्ष किसके, संविधान सभा के, कब चुने गए थे, 13 दिसंबर को चुने गए थे, ठीक है, 13 दिसंबर को। अब जो मतलब अपूर्णकालिक, ये पूर्णकालिक ये अध्यक्ष थे, इनका पूर्व चुने हुए थे, ये प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और क्या थे, ये प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। तो यहां से इतनी चीजें क्लियर हो गए। अब आप जो है, आशा करता हूं इस वीडियो से आपको जो कुछ भी सीखने को मिला होगा आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे, और ये भी आशा है कि आप कमेंट के माध्यम से प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। धन्यवाद।